पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के अब्दुल मजीद बाबा को दिल्ली में रिमांड पर भेजा गया और काफी समय से फरार चल रहे अब्दुल मजीद बाबा को 11 मई को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया था। बाबा पर 2 लाख रुपए के इनामी राशि की घोषणा भी की गई। बाबा को लेकर पुलिस को हाथ खुफिया जानकारी लगी थी, लेकिन इसके बाद पुलिस ने उसे ट्रैक करके गिरफ्तार कर लिया। बाबा बारमूला के सोपोर जिले के मागरेपोर गांव का रहने वाला है, तो वहीं साल 2007 में स्पेशल सेल ने तीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर रंजीत सिंह फ्लाईओवर के नीचे मुठभेड़ के बाद 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। इनमें शाहिद गफूर, बशीर अहमद, पोनू फयाद अहमद लोन और अब्दुल मजीद बाबा शामिल थे। 2013 में निचली अदालत ने फयाद समेत 3 आतंकियों को बरी कर दिया था और इसके बाद ये लोग वहां से फरार हो गए। हालांकि दिल्ली उच्च न्यायालय में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। आपको बता दें कि जैश आतंकी अब्दुल मजीद बाबा को दिल्ली भेजा गया था और 3 दिन पहले श्रीनगर से उसे अरेस्ट किया गया था और इस आतंकवादी पर 2 लाख रुपए का पुलिस ने इनाम भी रखा था।